अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हशर अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जो इन पेज यूज़र्स हैं, जो इन पेज इस्तेमाल करते हैं और विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं, विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद इन पेज के अंदर अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जिसमें फॉन्ट वगैरह मिस होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह के फॉन्ट जिसके पास भी आ रहे हैं या इस तरह की प्रॉब्लम जो भी फेस कर रहा है, आज मैं इस पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस अच्छी लगें तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अक्सर कोई भी इन पेज की फ़ाइल खोलने पर इस तरह के मसले मसाइल से फाइल हमें लगता है कि फ़ाइल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं होता। ये फ़ाइल बिल्कुल नहीं ख़राब होती, हमें ऐसा लग रहा होता है कि इन पेज की फ़ाइल हमारी करप्ट हो चुकी है, इसी वजह से हम इस फाइल को डिलीट भी कर देते हैं। दोस्तों इस तरह की फ़ाइल अगर आपके पास आ रही हो या इन पेज खोलने पर इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा हो, तो आप अपनी कोई भी फ़ाइल जो आपने टाइप कर रखी हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, वो आप इसकी वजह से ऐसा लगता है कि डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल भी मत डिलीट करें, इस तरह की फ़ाइल जो होती है आपके काम में आ सकती है और आप इसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। ये कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, ये अक्सर विंडो 10 के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम इन पेज में होते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इन पेज विंडो 10 के अंदर जब हम इन पेज खोलते हैं अक्सर जल्दी खुल जाता है और अक्सर देर लगती है। तो इसमें वजह ये होती है कि जब हम कोई फ़ाइल विंडो 10 के अंदर इन पेज की खोलते हैं तो उसमें अचानक खुलने की वजह यह होती है कि जब इन पेज खुल रहा होता है इसके अंदर फॉन्ट ब्रीड का जो मसला होता है, कभी कभार विंडो 10 जो है इन पेज के जो फॉन्ट अंदर इंस्टॉल होते हैं वो रीड नहीं कर पाती, इसी वजह से फाइल जल्दी खुल जाती है। और देर से खुलने की वजह यह है कि विंडो 10 जो है इन पेज के प्रॉपर फॉन्ट रीड करने के बाद इसको फाइल ओपन करती है, तभी फाइल हमारे सामने शो होती है और अपने सही हालत में फॉन्ट्स जाहिर होते हैं। इस तरह की हालत में हमें मसला यूँ आता है कि अक्सर हम विंडो 10 के अंदर फाइल जल्दी खुलने के चक्कर में डबल क्लिक दोबारा से उसी आइकन पर कर देते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन पेज का आइकन शो हो रहा है, तो हम एक बार क्लिक करने के बाद इसको दोबारा से क्लिक करते हैं। मतलब अगर मेरी फ़ाइल विंडो 10 में एक मिनट में नहीं खुल रही तो परेशान होकर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ ताकि जल्दी खुल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन पे दो दफ़ा खुल जाता है इस चक्कर में, और दो दफ़ा खुलने की ही वजह से यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम शो होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि फ़ाइल करप्ट है, लेकिन फ़ाइल करप्ट नहीं होती। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ आपके सामने बिल्कुल सही हालत में हाजिर होगा। मैं आपको पहले विंडोज़ में दिखा दूँ कि मैंने इन पेज दो दफ़ा खुल रखे हैं, एक ये इन पेज खुल रखा है और दूसरा यहाँ पर। आप देख सकते हैं दूसरी दफ़ा खुलने पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ख़राब आया है। तो इसका मसला दोस्तों सिंपल ही है, आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। और अगर ये मसले आपके पास सिंगल क्लिक करने पर भी, ये मतलब एक दफ़ा इन पेज को खोलने पर भी आ रहे हैं, सिंपली इसको यहाँ से परमानेंटली बंद कर दें। मतलब जितने भी इन पेज आपके पास यहाँ खुले हुए हैं, आपके पास जितने भी इन पेज यहाँ खुले हुए हैं, मिसाल के तौर पर मैंने दो दफ़ा खोला था, तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आप रिफ्रेश अपने कंप्यूटर को चाहें तो कर लें, और विंडो आर का बटन दबाकर आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे विंडो का बटन होता है और उसके साथ प्लस करेंगे आर को, मतलब ये दोनों बटन एक साथ दबेंगे। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रन का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पर आप लिखेंगे %TEMP फिर परसेंटेज का निशान। आप इसको गौर से देखें, %TEMP% मतलब टेम्परेरी फाइल्स। आप इसको यहाँ पर ओके करें और यहाँ देख सकते हैं ये विंडोज़ का टेम्परेरी जो फाइल्स होती हैं यहाँ पर सेव होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नूरी नस्तलीक फॉन्ट वगैरह के बारे में यहाँ शॉर्ट फॉर्म शो कर रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं तो इसको फौरी यहाँ से डिलीट करें। शिफ्ट डिलीट करके आप जितने भी आइटम यहाँ पर मौजूद हैं आप इसको डिलीट कर दें, जिस तरह मैं डिलीट कर रहा हूँ। दोस्तों डिलीट करने के बाद आप इसको मेन स्क्रीन पे आके
दोबारा अपना जो इन पेज की आपने फाइल बनाई है आप दोबारा उसको ओपन करें। जिस तरह मैंने आपको ये फाइल खराब दिखाई थी, अब मैं इसको डबल क्लिक करके खोल रहा हूँ। टेम्परेरी फाइल डिलीट करने से दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि इन पेज कभी कभार सही फॉन्ट डिलीट करने के बाद भी जल्दी खुल जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बंद करने के बाद भी दोबारा खोल सकते हैं। अब देखें मैं इन पेज खोल रहा हूँ, इन पेज खुलते ही मैं आपको शो करवाऊंगा यही फाइल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी वही फाइल जो मैंने आपको यहाँ शो की थी ये फाइल खुल चुकी है, और दोबारा से आप इसको देख सकते हैं मैंने उसको उसी हालत में सेव करके बंद किया था। और ये फाइल आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल सही अल्फ़ाबेट लिखे आ रहे हैं, इसमें कोई भी गलत आइकॉन जिस तरह पहले आ रहे थे, उल्टे सीधे आइकॉन आ रहे थे और कोई शेप्स वगैरह आ रही थी, इस तरह कुछ नहीं हो रहा। और इन पेज भी मेरा तकरीबन 1 मिनट के अंदर खुल चुका है, मैंने वीडियो पॉज की थी इस दरमियान 1 मिनट के बाद मेरा इन पेज खुल चुका है। अक्सर ऐसा होता है इसमें 2 मिनट भी ले लेता है, लेकिन आप टेम्परेरी फाइल जब डिलीट कर देंगे तो फाइल इस तरह जल्दी आपके पास ओपन हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।